भी झुरखिया नहीं है बता दीजिए। तब कैसे हम 40 साल के हो गए नहीं? तो कितने साल के हैं? नहीं करेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं जी। अरे बाप रे, चाहे पति हो चाहे पता हो, कोई हो पति हो पता हो कोई हो, हम गलत रहेंगे तो आपका बर्दाश्त करेंगे, हम गलत नहीं रहेंगे तो आप। कितना पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, इतना बोल रही है, कह रही है पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे। तो कह दीजिए करंट और बिजली दोनों एक है, बताना क्या है आप, करंट और बिजली है? तो मैं बताती हूँ, छोटा सा देवर है मेरे, दुलरुआ खाला राजा जी, आवा मुर्गा बनावता नहीं खाला राजा जी, आवा मुर्गा बनावता नहीं खाला राजा। लोग कहते हैं कि गांव समाज कहेगा क्या। हम गांव से में जब जाते हैं तो गांव की महिलाओं को आप देखेंगे तो उनकी दुनिया चौकट के अंदर होती है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं अब आ गई हैं, गांव की मैं बात कर रहा हूँ, शहर में तो आप लोग देख रहे हैं तेजाब हो गई हैं महिलाएं, लेकिन गांव की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे संस्कार मिट जाएंगे, अगर हमारी बीवी चौकट पार कर देगी, हमारी बीवी घूंघट के बाहर हो जाएगी तो हमारे संस्कार मिट जाएंगे। लेकिन भैया एक कलयुग चल रहा है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है, अब शहर की लड़कियाँ ही नहीं हाई फाई रहेंगी, अब गाँव की भी लड़कियां हाईफाई रहेंगी, और आप लोग जानते हैं वाईफाई बहुत तेज चल रहा है और कलयुग चल रहा है, तो इसलिए ये लोग हमेशा ट्रेंडिंग में रहती हैं। इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, ये वही चेहरा है जो बहुत कम समय में अपना एक पहचान बनाया है, और वो पहचान जो औरतों को एक मिसाल पे लाके खड़ा कर देता, जहां कहती हैं औरतें कि मैं करूंगी क्या, हमारा समाज कहेगा क्या, वो है आज हमारे बीच में है चंदा जी, स्वागत है आपका। तो भैया के चैनल पे सादर प्रणाम सभी को, और बड़ी खुशी हो रही है भैया बनारस से चल के हमको कुछ समझे और हमको कुछ जाने, तो मेरे पास तो हम सबसे पहले भैया को सादर प्रणाम करते हैं। अरे बड़ा अच्छा लगता है, ये भी किसी की बहन बेटी है, अब तो लोग भाभी बुबा क्या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग जो मानते हो मानिए, मैं नहीं चाहता हूँ, हमारे सभ्यता है, हमारा संस्कार है कि किसी की बहन बेटी को हम अपनी बहन बेटी मानते हैं, तो मैं जानता हूँ। अगर बात कर लिया जाए चंदा जी, जिस तरह से लोग कहते हैं कि घूंघट को कैसे आपने उठा दिया, पैर में जो बेड़िया थी कि समाज कहेगा क्या, उसको कैसे आपने, हमें नहीं लगता था कि ये उम्र, हमें लगता है कि 35 से 40 वर्ष होगा, 50 वर्ष होगा, लेकिन 17 वाला दिमाग में आ गया कि मैं भी कुराफात करूंगी, भले ही मैं 35-40 वर्ष की हूँ, लेकिन दिमाग में तो 18-16 साल है, उम्र 16 साल बा, क्या करें बुरा हाल बा। चलिए 16 साल वाला कैसे आ गया मन में ख्याल? लॉकडाउन ये था जो, ये दौरान बड़ी बहुत लोगों को, लेकिन अभी 28-30 साल है उम्र, अरे ठीक है उम्र जो भी हो कहने से नहीं होगा, तो ये लॉकडाउन बहुत उम्र है कितना सची तब बता ही दीजिए, कहने से नहीं होगा तो चेहरे पे अभी झुरखिया नहीं है बता दीजिए। तब कैसे हम 40 साल के हो गए नहीं? तो कितने साल की हैं? अब भाई 30-35 साल। गांव में चुनमुनिया को देखे हैं आप? ये गांव की चुनमुनिया है, चलिए बताइए आप, देखिए आती है बच्चों की तरह बोलिए आप। तो 2 साल हुआ, अभी 2 साल पूरा हुआ है इस फील्ड में मुझे आने को, और इसमें मैं भी सोचती थी लोग क्या कहेंगे, मुझे भी शर्म लगता था ब्लॉग करने में और रील बनाने में, फिर कभी गाँव वालों को सोचती थी, कभी अपने भाई बाप और माई को सोचती थी कि लोग क्या बोलेंगे, पर धीरे 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 धीरे, और हमारे हस्बैंड और ससुराल को मुझे बहुत मेरा सपोर्ट था कि मैं इस लाइन को अपने आप में। अच्छा, पहले भी डांस करती थी, पहले भी ऐसे बोला करती थी आप? नहीं डांस तो नहीं करते थे, पर बोला करते थे, बोलना जो ये मेरा है ये। पति होती से लड़ाई होती थी कि नहीं? साहब का पूछा, पति से लड़ाई कैसे के करे मेरा, पति मतलब से लड़ाई ना। आप बड़ी हो जाती थी, मतलब लड़ने में आप तेज थे कि वो थे, ये कहना चाहते हैं? नहीं हम थे अब्बल आप आती थी हमेशा, अब देख लीजिए इसीलिए ये बोल रहे हैं, भले इनके बगल में इनके पति बैठे हैं लेकिन क्या होता है कि लड़ाकू विमान थी, आपने देखा होगा कि लड़ाकू विमान जहाँ रहेगा वो लड़ता रहेगा, वो लड़ाकू विमान थी। हम गलत नहीं करेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं जी। अरे बाप रे, चाहे पति हो चाहे पता हो, कोई हो पति हो पता हो कोई हो, हम गलत रहेंगे तो आपका बर्दाश्त करेंगे, हम गलत नहीं रहेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। शिक्षा दीक्षा आपकी क्या, कितना पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, इतना बोल रही हैं, कह रही हैं पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं। हिंदी आपकी बड़ा अच्छी है, जो भी है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये सब आप सबके पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं सही में नहीं पढ़े लिखे,
स्कूल का मुंह देखी है कि नहीं? नहीं। अब देखिए भैया, लोग कहते थे कि बसवाड़ी में पड़ी है तो झांग में पड़ी है, अब सच्चाई खुल के धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो लेकिन वाकई नहीं लग रहा है कि इनके अंदर शिक्षा दीक्षा नहीं है। जिस तरह से इनके बात का जो करने का लहजा है, वाकई दिख रहा है। अगर बात कर लिया जाए, कौन सा ऐसा वीडियो था जो आपने बहुत तेज वायरल हुआ और वहीं से आपकी शुरुआत हुई? देखिए, वीडियो तो मेरा बहुत वायरल हुआ था शुरुआत। हाँ, शुरुआत में शॉर्ट वीडियो भी और लॉन्ग वीडियो भी, बिजली के और मेरे साथ। बिजली के? हाँ, बिजली जी। बिजली कौन है? एक है जौनपुर के, हमारे देवर है, छोटा सा। छोटा सा देवर है। तो उनके साथ में हम वीडियो बनाते थे और रिलूल और ब्लॉग व्लॉग, तो बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था। पर मुझे पहचान मिली है तो मेरे एक गाना से मिली है, जो कि एक गाना दोस्त बहुत पब्लिक भी सुनी होगी, रागनी जी के था, आवा मछली बनाओ तानी खाला राजा जी, रागनी विश्वकर्मा गाई थी। तो उसी पे हम मुर्गा बनाए लाग रहे हैं, तो वही गाना से मुझे परिचय मिला है और मुझे लोग जानते हैं। और जो भी है, आज हम लोग जो भी हैं, कुछ भी हैं, तो जो बिजली का हमने नाम लिया, बिजली का प्यार दुलार आशीर्वाद है, वो हमारे साथ आए तो चंदा के साथ बिजली जी आए, चार चांद लग गया बस। अब देख लीजिए, चंदा के साथ बिजली जी आए। लेकिन लोग कहते हैं कि अब तो हम भी आज जाने हैं कि इनके पति हैं, तो हम भी यही जानते थे कि बिजली इनके पति हैं। सच्चाई है, मैं आम कैमरे कह रहा हूँ, कहने में गुरेज नहीं हो। लेकिन कई लोग कहते हैं बिजली और आपका जोड़ी बड़ा, मतलब नंबर वन हिट जोड़ी है। हाँ, ऐसे लोग कहते हैं, कई लोग फोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि चंदा भाभी मुझे रिप्लाई जरूर दीजिएगा, बिजली आपके कौन है। आज भी लोग कहते हैं, तो कह दीजिए करंट और बिजली दोनों एक हैं, बताना क्या है, आप करंट और बिजली हैं। तो मैं बताती हूँ, छोटा सा छोटा सा देवर है मेरे, दुलरुआ नहीं, दुलरुआ है, दुलरुआ देवर है। अब उन्हीं का देन है कि आप यहाँ तक हैं? बिल्कुल उन्हीं का देन है। और हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है इस फील्ड से, किसी ने हमको सपोर्ट नहीं किया। बिजली जी थे, हम थे, हमारे पति थे और हमारे साथ बहुत लोग थे, जैसे महेंद्र हो गए, अरविंद दीवाना हो गए, जो कि अरविंद दीवाना हैं अभी भी यहाँ पे। पति नहीं कहते थे सब, क्या करोगी, आजकल पत्नियां बहुत काफी आप देख रहे हैं। अब देख लीजिए, कहना नहीं चाहिए, हर एक पति चाहता है कि मेरी पत्नी स्टार सुपर स्टार बन जाए। तो मतलब चाहते थे कि हमारी पत्नी सुपर स्टार बन जाए? नहीं, ये हमको कभी मना नहीं किए हैं किसी चीज में, नहीं, ये नहीं मना करते थे कि क्या कहे कि डरा फान जाओ, नहीं। कहे तुम कर पाती हो तो तुम्हारा इच्छा, तुम कर पाती हो तो करो। तो अब करने लगे? बिल्कुल, मैं ब्लॉग करती हूँ और शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, गाना भी गाती हूँ। अच्छा, कौन सा गाना था, गा रही है गाना, गाती कौन सा गाना था जो आपको वायरल कर दिया? मेरा गाना था, जरा तो भगौना तेल डाला राजा जी, आवा मुर्गा बनावता नी खाला राजा जी, आवा मुर्गा बनावता नी खाला राजा जी, ऐसा कुछ गाना था। मुर्गा बहुत काफी खाती हैं? नहीं, कहा गाना गाय रन से। अच्छा, खाती नहीं है? खाते हैं। देख लीजिए, मुर्गा भी खाती हैं। और वाकई मतलब समाज में नहीं लोग कहते थे कि अरे तुम जाओगी, आपके मम्मी पापा या फिर आपका वीडियो देखते होंगे तो क्या बोलते होंगे? बहुत सारे लोग, मम्मी नहीं जानती थी मेरी, तब भी लोग हमारे जो रिश्तेदार रहते थे, मेरे बहनों वगैरह रहते थे, वो फोन करके बता देते थे। एक रील तो मम्मी मेरी कहती थी फोन करके, कहा बहनी कहा नाचत रह लोग, नाचते फोन उन्नत करा करो, कुछ नहीं है ऐसा वैसा, कुछ नहीं है। हमारे मोहल्ले में हमारे जो अगल बगल के रहती थी, कहीं निकलते थे, काओ नाचे जाते हो, जा नाचिया, डायरेक्टली लोग बोलते थे। तो आपको मतलब ये नहीं लगता था कि मुझे नाचने वाली बोल रहे? लगता था, बहुत बुरा लगता था। कौन सा ऐसा दिन रहा कि बड़ा दुख लगा कि अरे यार मुझे ऐसा लोग बोल रहे हैं, कोई ऐसा दिन याद है? बिल्कुल, ऐसा दिन कब याद है कि मैं बड़ी अच्छा वीडियो बनाई हूँ शुरू से आज तक के, अपने नज़र से, बाकी दुनिया की नज़र क्या सोचता है, मैंने कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया कि कोई रोस्ट कर सके मेरे वीडियो पे, मेरे शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो, कोई रोस्ट कर सके, ऐसा वीडियो मैंने कहीं परोसा नहीं है। फिर भी किसी के इतना गंदा कमेंट आ जाता था कि तुम्हारा पति तुमको कमा के नहीं खिला पाता, तुम ऐसे करती हो, तुम रील बनाती हो, तुम इस फील्ड में हो, तब बड़े क्रोध लगती थी, यही मन करता था अब वीडियो ना बनाए।
ऐसा लगता था जी। अब देख लीजिए कहीं ना कहीं अक्सर देखा गया है कि जो कुछ नहीं कर पाता है तो एक दूसरे पे उंगली तो जरूर उठाता है, सच्चाई है। आप जो भी कर रहे थे, देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग के साथ डिजिटल युग चल रहा है। डिजिटल युग में चंदा जी हैं, पर जब इनकी उम्र 16 थी तो उस समय डिजिटल युग नहीं था, लेकिन सोचे कि चलिए एक बार फिर चलते हैं, फिर तेरी कहानी याद आई, तो इन्होंने डिजिटल युग पे अपनी कहानी रख दिया। क्यों, आज भी कहानी याद है, तब भी कहानी थी, आज भी कहानी। कहानी बनाने में उम्र थोड़ी नहीं देखती है। अरे बाप रे बाप, पहले भी तेजाब की तरह थी। बिल्कुल थे, 16-17 थोड़ी ना देखता है कहानी बनाने में, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब पहले वाला दिन याद आता है कि नहीं, बचपन वाला? अरे हमारे बुद्धि ना रहा था, हमारी शादी उदी हुई गिरा। बुद्धि ना रहे तब शादी हो गई, इतना बुद्धि शादी होने के बाद आया है। चल ये तो हो गया खुलासा, आज हो गया कि जिसको बुद्धि नहीं है वो शादी कर ले। आए कि नहीं, किसी कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, किसी स्कूल की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शादी कर ले, बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा आप लोग। आज के डेट में और पहले के डेट में जब 20-22 साल 23 साल 24 साल 25 साल के लोग होते हैं, 30 साल के तो शादी होती है। और मेरा तो 14 साल के लड़का होने के बाद अभी मैं 35 साल की हूँ।